Assalamualaikum dear students, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशंस और उसकी क्लासिफिकेशन. और ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं. और ये मैंने जो बुक अभी ली है मैंने, वो है एस एम यूसुफ की और उसका चैप्टर नंबर 9 है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, आज फोकस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और उसकी क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अभी बताओ. तो आप लोग इक्वेशन तो पता है ना, आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन तो हमें पता है क्या चीज होती है. आपके पास ये इक्वेशन क्या चीज होती है, जब इक्वल साइन, ठीक है, इक्वेशन मीन्स इक्वल साइन, ठीक है, इक्वे मीन्स इक्वल, इक्वल. अब यह डिफरेंशियल करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल. हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं एक होते हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है यहाँ पे इक्वेशन में एक हो सकते हैं, ठीक है, और दो भी हो सकते हैं. ठीक है, सही है, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन. यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दो है और डिपेंडेंट वेरिएबल एक है. ये भी हो सकता है वाइजिबल टू ए एक्स हो सकता है. ठीक है, अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व हो वन डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y, और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, और डेरिवेटिव जो ले रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल से या एक से ज्यादा. अब यहाँ पे जब एक से ज्यादा लोगे तो हमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे. तो ये चीज है कि हमारा ऑर्डिनरी और पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है. ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स से थोड़ा ये इस चीज में पूछते हैं कि सर ये डी, ये जो आपका डी वाई और ये डाओ वाई, इन दोनों फर्क क्या है, दोनों डेरिवेटिव है. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंशिएट क्या, आज इसको हम भी देखेंगे और इसके साथ ऑर्डर देखेंगे. हमारे पास जो चीजें हैं वो आज जो हमें देखनी है वो हम आपको बता देते हैं. ये चीज हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन. अब क्लासिफिकेशन जो हमने कहा ना, क्लासिफिकेशन इस वीडियो में शुरू में क्लासिफिकेशन करेंगे. देखो क्लासिफिकेशन क्या है, जो खसूसियत है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो हमारे पास ये देखनी है. नंबर वन, क्या ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहली चीज नंबर वन, ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, सही है, नंबर वन. नंबर टू जो चीज देखेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी गिवन है उसका ऑर्डर क्या है. ठीक है, या तीसरी चीज एक और चीज है, वो है इसकी डिग्री. ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, और इसके अलावा क्या है, ये क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है और या नॉन लीनियर है. तो ये हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्लासिफाई इन चीजों से कर सकते हैं, ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर, डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर डिग्री, सेकंड ऑर्डर डिग्री. ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम ये डिग्री भी हम कह सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, ये इक्वेशन इससे डिग्री से हमें मालूम होगा ये लीनियर है नॉन लीनियर. ठीक है, ये आपस में थोड़ा रिलेटेड है, थ्री और फोर. ठीक है, तो अब आपको मैं पहले सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल बना, ये ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं. ऑर्डिनरी और दूसरा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब कैसे डिफरेंशियल को ये ऑर्डिनरी पार्शियल है. अब आपके पास मैं कहूं जैसे y इज अ फंक्शन ऑफ x, आपके पास कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक है, तो ये आपके पास ये होगा. अगर मैं डेरिवेटिव डी वाई इज इक्वल टू क्या डी एफ ऑफ एक्स, अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ ये यहाँ पे आप देखो, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के एक है, तो ये होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल. ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मीन्स आपके पास देखो ये है डी वाई. ठीक है, और मैं जो ले रहा हूँ यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है. अगर मैं यही बोलूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू, ठीक है, मैं दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रही हूँ. अब मैं इसके जो डेरिवेटिव लूंगा डी वाई, ठीक है, अब जब ये डी वाई लूंगा ये कहलाएगा टोटल डेरिवेटिव. क्या कहलाएगा, टोटल डेरिवेटिव कहलाएगा ये चीज, और ये जो होगा यहाँ अब आएगा पार्शियल डेरिवेटिव डावा एफ ओवर डावा एक्स वन. ठीक है, ये जो एफ आपको पता है ये एक्स वन और एक्स टू, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू. ठीक है, और डी एक्स वन
प्लस डावा एफ ओवर डावा एक्स टू, ठीक है, सही है, और डी एक्स। ये जो मैं ये ओपन किया है, इसको हम किस रूल से किया, चेन रूल की मदद से हमने ये ओपन किया। आज से हमें ये देख रहे हैं डिफरेंशियल और सॉरी ऑर्डिनरी और डिफरेंशियल। अभी यहाँ पे अभी ये देखना है ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल में फर्क क्या। तो ये जो डावा आ रहा है डावा एफ ओवर डावा एक्स वन, ये आपको क्या कराएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव। क्यों पार्शियल डेरिवेटिव कराएगा, देखो पार्शियल मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव ले रहा हूँ एफ सिर्फ एक्स वन से डेरिवेटिव, और दूसरा जो वेरिएबल है वो क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे दूसरा वेरिएबल क्या, एक्स टू। तो पार्शियल और टोटल फॉर क्या, टोटल का मतलब क्या है, नेट चेंज, टोटल चेंज एक्स वन की वजह से और एक्स टू की वजह से। जैसे इकोनॉमिक्स में मॉडल बनते हैं यही चीज यूज करते हैं, चेन रूल, ठीक है। तो अब ये थोड़ा क्लियर हो गया कि अगर मैं जैसे आपकी बुक्स में होता है जेड, आपने देखा होगा डावा जेड ओवर डावा ऐसी इक्वेशन, डावा जेड ओवर डावा एक्स, ठीक है। और मैं कोई एक मिसाल ले लूँ यहाँ पे, एक मिसाल बुक की मिसाल एक्स टाइम्स डावा जेड ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा जेड ओवर डावा वाई इज इक्वल टू एन एक्स, ये मिसाल दी हुई है। और एक और जो मिसाल है, सपोज मैं ले रहा हूँ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डावा डी वाई सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर जीरो। अभी देखो यहाँ पे अगर मैं जेड पिक कर रहा हूँ, ये आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो मैं डिपेंडेंट वेरिएबल का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखो दोबारा डिपेंड वेरिएबल जेड है तो और ले रहा हूँ डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये जो कहलाएगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम डायरेक्ट ले रहे हैं, तो ये कहलाएगा पार्शियल डायरेक्टिव। समझे, खुशियत क्लियर होगी कि पार्शियल डायरेक्टिव क्यों है। अगर आपके पास एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसको एक से ज्यादा हमने डायरेक्ट लिया है तो वो पार्शियल यानी, इसका मतलब ये हुआ अगर प्रैक्टिकल लाइफ में, इसका मतलब ये हमें एक्स की क्लास से चेंज देख रहे हैं, जेड में क्या आ रहा है और वाई की क्लास से देख रहे हैं, दोनों को पार्शियल अलग अलग किया, जब हम इस दोनों को सम अप कर रहे थे तब हम बनता है डी, जो अभी हमने देखा था टोटल डायरेक्ट। अगर सिर्फ हम इस टर्म की बात करें, ठीक है, अब ये जो हिस्सा है आपके कॉपी है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। मीन्स क्या है, कोई भी वेरिएबल को हमने इंफिसाइज किया, जैसे आपके पास मार्केट में, अब मैं कहूँ बहुत सारे आपके पैरामीटर्स होंगे जो को प्राइस इंक्रीज होने के, जैसे आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या आपके पास और जो मार्केट प्राइस है पेट्रोल है, इसी तरह मैं से देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है प्राइस में बजाय, हालांकि दूसरे भी रीजन ये पेट्रोल कीमत बढ़ने के अभी बताया, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बताया है और क्या कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसे और भी चीजें हैं, मगर मैं इसी किसी एक को स्पेसिफाई कर रहा हूँ और उसकी चेंज को देखा तब हम पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो एग्जाम कर रहे ये पार्शियल डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल में देखो कैसे, हालांकि हम सॉल्व तो कर मगर हम उसको प्रैक्टिकल कर नहीं होता, देखो वाई आपके उसके डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पूरे होल पूरी इक्वेशन में से मैं ले रहा हूं सिर्फ एक्स है, तो ये कहलाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कहलाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन, और नंबर टू क्या आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये क्लियर हो गया पार्शियल और ऑर्डिनरी। अच्छा, इसके बाद जो हम देखेंगे ऑर्डर। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर कैसे मालूम करें, इसको हम इस तरह कर सकते हैं, अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है इसका अगर ऑर्डर मालूम करना है तो उसका हमें देखना होगा हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी जो हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उस इक्वेशन में उसका ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने इक्वेशन ली, मैंने ये सभी ली थी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स पावर टू इज इक्वल जीरो। अब यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा जो डेरिवेटिव है, सबसे ज्यादा देखो एक तो ये फर्स्ट
derivative is second derivative. You will see first derivative is first order. We use the second degree, second order, I mean second derivative, it means second times derivative means second order. So highest order ye hua, to uska matlab ye is equation ka jo order hoga wo kya hoga, 2 hoga. To uska matlab ye equation ki jo highest order usko dekhna hai. Agar isi mein hum degree ki baat kare, agar hum isme degree ki baat kare, wo equation jahan pe aapke paas ye dekhna hai ki jo highest order hai उसकी जो पावर है, अगर मैं इसकी होल पावर देखूं क्या है, 1 है, तो इसका क्या कहलाएगा, डिग्री 1 कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में, हमें देखना है कि आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, और ये ध्यान में रखिए कि कहीं आपका कोई रेडिकल पावर रेडिकल साइन में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 2 और 3, ये रूट 1, root 2, root 3, इस तरह ना हो, तो हमें इसको अवॉइड करते हैं, हम ऑर्डर और डिग्री हम बता सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ऑर्डर क्या है, हमें उस पूरे इक्वेशन के जो देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, वो ऑर्डर हो जाएगा, और हाईएस्ट ऑर्डर के जो पावर है वो क्या कहलाएगी, डिग्री। अब डिग्री, अगर डिग्री क्या है, अगर डिग्री अगर 1 हो जाए, अगर डिग्री 1 तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डिग्री 1 हो तो क्या आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हालांकि सेकंड ऑर्डर मगर लीनियर है, ठीक है। जिसमें ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, मगर जो हाईएस्ट ऑर्डर उसकी पावर जो है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, सही है। और हमारे पास एक और है जो लीनियर के चीज है, हम ये देखना है कि लीनियर के और क्या क्या चीजें हैं। आपके पास एक मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स, ये भी आपको देखना है कि लीनियर के लिए उस, और आपके पास डी एन वाई डी एक्स एन, ठीक है, ये फंक्शन है, ठीक है, और एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, ये एन डेरिवेटिव हो गया, सही है। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये लीनियर है तो ये एफ इज अ फंक्शन ऑफ क्या होगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू, और डी एन y over dx, n order derivative, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल में मिसाल दे रहा हूँ, ये लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज में। फर्स्ट करो, मेक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैं यहां लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज में, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यू प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ये इक्वेशन ले रहा हूँ 1, और यही इक्वेशन इसी तरह मैं को ले रहा हूँ डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब प्लस 2 ई की पावर एक्स ई एक्स सॉरी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूँ, वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इन दोनों में से बताओ लीनियर नॉन लीनियर, हालांकि यहां देखा जाए तो हाईएस्ट डिग्री जो है 3 है मगर उसके पावर 1 है, सिम्स लीनियर, मगर ये भी हाईएस्ट डिग्री जो है उसके पावर क्या 1 है, ऐसे देखो, ये देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3 है, थर्ड ऑर्डर हो गया, उसके पावर क्या 1 है डिग्री, तो क्या लीनियर है क्या, ये यहाँ पे भी देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड, हाईएस्ट ऑर्डर क्या थर्ड हो गया, उसके पावर 1 है, तो ये लीनियर है। तो एक और चीज है लीनियर जो कि लोग नहीं बताते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें पता कैसे कि लीनियर नॉन लीनियर, अब इसको हम देख रहे हैं पास, ठीक है। अगर मैं एक एक लिख रहा हूँ इक्वेशन ए नॉट एक्स वाई प्लस ए वन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस ए टू एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स एन कॉमा टू डैश, ठीक है, मैं सम करूं डैश डैश, ठीक है, डी ए एन माइनस 1 एक्स
तो क्या होगा डी एन माइनस वन वाई, ठीक है मैं ऐसे ही जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं, और प्लस ए एन, तो क्या होगा ए एन एक्स डी एन वाई ओवर डी एक्स यानी एन ऑर्डर। अच्छा अब यहां देखो इजिकल टू मैं ले रहा हूं जी ओ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल देख रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे y a नॉट x, x a नॉट x में से कोई भी फंक्शन हो x का, जैसे मैं फर्स्ट में x x प्लस वन, ठीक कुछ भी लोगों के कोई नहीं है y का कोफिशन क्या है कोई x टर्म में, ठीक है a वन x इसी तरह dy और dx, क्या पूरे में से कोई ऐसा देख रहे हो कोई भी dy और dx जो है कोई भी यहाँ पे क्या ऐसा देख रहे हो डी वाई ओवर डी एक्स ये वाई से मल्टीप्लाई हो, नहीं देख रहे हो क्या तुम देख रहे हो वाई डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, नहीं देख रहे हो, तो उसका मतलब ये अगर ये डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई हो रहा वाई से तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर, ठीक है नॉन लीनियर ख्याल, ये जो बताया है ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन मैं स्टार ले रहा हूं दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम चलते हैं कि देखते हैं इसको ये जो कर रहे थे वन क्या है आपके पास, देखो ये लीनियर होगी, क्यों लीनियर होगी देखो ई एक्स है ये समझो क्या ए ए वन एक्स हो गया और ये डी टू वाई ओवर डी एक्स टू हो गया, ये ए टू ए वन ले लो या ए टू ले लो, चलो ए टू ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो y मल्टीप्लाई हो, अब यहाँ गौर से देखो ये डी वाई और डी एक्स है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो इसका मतलब ये टर्म की वजह से ये टर्म ये नॉन लीनियर टर्म की कंडीशन है, तो ये जब आपको पता है दरिया में अगर गंदी मछली आती है पूरी तालाब को खराब कर, तो ये पूरी जो है बन गई कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल, और ये पूरी इक्वेशन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको कुछ क्वेश्चन हम देते हैं ये बताएं लीनियर नॉन लीनियर, ठीक है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप ये नंबर वन क्वेश्चन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और नंबर टू जो है वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स पावर टू की होल पावर जो है थ्री ओवर टू इक्वल टू डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, ठीक है। और एक और चीज आपको बता दूं यहाँ पे वाई डी वाई डी एक्स ना, अब ये भी ना हो कि ये डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई वाई हो रहा है, और या दूसरा ये है कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना हो, एक और चीज आपको बता रहा हूं वो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन वो भी ना हो, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या आपके पास लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, और आपके पास हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तीसरी चीज क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कॉमन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वरना तो आगे जीटा फंक्शन है गामा फंक्शन हम उसको नहीं देखेंगे, तो ये जो फंक्शंस हैं तो ये कहलाते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो ये लीनियर के लिए खास नॉन लीनियर के लिए ये है, अगर ई वाई डी वाई डी एक्स किसी टर्म में नजर आ गए तो उसका मतलब क्या है नॉन लीनियर, या एल एन वाई डी वाई और डी एक्स आ गया, यानी जब वाई आ गया डी वाई डी एक्स कोई वाई आ गया ना या डी वाई या डी टू वाई डेरिवेटिव के साथ, अब यहाँ देखो ना डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ वाई आ गया, जरूरी नहीं है अगर यहाँ वाई यहाँ भी वाई आता है नॉन लीनियर हो, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब आप लोगों का होमवर्क है घर में, बस दो सवाल दिए हैं ये आपका क्या होमवर्क है, ठीक है, और हमें बताना आपको ये लेक्चर कैसे लगा कमेंट्स में, और शेयर करना दोस्तों से, ठीक है। आई होप इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूंगा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।